जी, तो जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं जिन पे इन्होंने थ्री फेस मोटर लगाई हुई है। वो सामने ये इधर इन्होंने काफ़ी बड़ी मोटर लगाई हुई है जो कि सोलर सिस्टम पे ही चल रही है। अभी इस वक्त यहाँ कोई इस मोटर के मालिक नहीं है जिन्होंने ये सारा सेटअप लगाया हुआ है, वरना उनसे काफ़ी चीज़ें हमें मिल सकती। इरिगेशन लिखा हुआ है, हाइड्रो साइक्लोन फिल्टर, फॉलो रेट, इंटेल आउटलेट, 3 इंचेस, पता नहीं, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। हम इधर आए हुए थे एक शादी में, साथ ही गांव में, तो जाने की हमारी नज़र पड़ी इस सेटअप पे। हमने सोचा कि इसको क्यों ना देखा जाए कि क्या क्या है इसमें, इस सारे सेटअप को कैसे ये रन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो कोई आसपास कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, वैसे एक साथ छोटा सा गांव है, हो सकता है हमें देखकर कोई इधर आ ही जाए। जैसे ही कोई आता है तो उससे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करते हैं कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं और कितना इनका इसको लगाने के लिए खर्चा आया था। ये सारी चीज़ें हम अभी हम किसी न किसी से पूछने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये सेटअप, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज लगा है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ये अपनी लाइफ में देखा है इस तरह का। ये इधर इन्होंने कुछ सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं जो तो 6 इधर और 2 इधर मेरे लेफ्ट साइड में हैं। इनको भी मैं अभी आपको व्यू करवाता हूँ। ये काफ़ी रेतली ज़मीन है इधर जी। ये आप देख सकते हैं 6 सोलर प्लेट्स इस साइड में हैं और इधर तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, इधर हैं 10। हाँ भाई, इधर 10 हैं, 5 ऊपर 5 नीचे। बहुत ज़बरदस्त यार इन्होंने सिस्टम किया है इन लोगों ने इधर, और ये सारा सेटअप जो किया हुआ है मेरे ख्याल से ये खेतों में पानी लगाने के लिए इन्होंने किया है। जो मोटर पहले मैंने आपको दिखाई है उधर, वो सारा जो है निज़ाम इन्हीं सोलर प्लेट से चल रहा है। बस हम इसी इंतज़ार में हैं कि कोई बंदा इधर आए, क्योंकि दूर दूर तक हमें कोई हमारे अलावा बहुत दूर दूर हैं कुछ लोग। हाँ, एक बाबा वो है सामने मेरे ख्याल में, वो भी इन खेतों का मालिक नहीं है, अगर होते तो वो ज़रूर हमारे पास आ जाते ये सारा देखकर कि यहाँ कौन अजनबी फिर रहे हैं। इधर इन लोगों ने पहले मेरे ख्याल से शलजम की जो सब्ज़ी लगाई हुई थी, अभी उन्होंने ज़ाया कर दी है। काफ़ी ज़्यादा इधर शलजम ऐसे ही खेत में इनसे देखें पड़े हुए हैं जो कि इन्होंने शायद यहाँ से नहीं निकाले थे और ख़राब हो गए हैं। ये क्या हुआ, ये बड़ी सारी खेत ऐसे ही भरे पड़े हैं, शायद मेरे नाज़रीन जो व्यूवर्स हैं उनको नज़र आ रहे होंगे। ये हैं जी 10 प्लेट्स इधर, 6 नेक्स्ट 16 होगी, उससे आगे 6 होगी 22, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये इधर भी हैं। अरे वाह, उधर भी ज़्यादा ही हैं, यहाँ भी 10 हैं जिनसे ये मोटर चलाते हैं जिससे अपने खेतों को सराब करते हैं। सॉरी, अभी अजान हो रही है, मैं बाद में करता हूँ। जी, तो जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं जिन पे इन्होंने थ्री फेस मोटर लगाई हुई है। वो सामने उसका सेटअप है, अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, और थोड़ी देर में हम इसके पास भी जाकर इसको बगौर देखेंगे कि इसमें क्या क्या उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं, किस तरह से ये सारा सिस्टम चला रहे हैं।
फिलहाल ये प्लेट्स हैं, इनमें उन्होंने चार अलग अलग सेटअप बनाए हुए हैं, ये कुल मिलाकर 32 प्लेट्स हो गई। तो ये सारा सिस्टम इन्होंने इन लोगों ने बनाया हुआ है, 32 सोलर प्लेट्स और साथ में कुछ आगे इन्होंने कनेक्शन वगैरह करके जो भी होता है वो सारा करके आगे इन्होंने एक 3 फेस बड़ी मोटर लगाई हुई है। अभी हम चले हैं मोटर के पास, फिलहाल हम आपको दिखाएंगे जी ये सोलर प्लेट, इसमें किस तरह से उन लोगों ने कनेक्शंस किए हुए हैं जी। तो हम पहुँचे ये जो 10 प्लेट वाला एक इन्होंने पूरा पैनल बनाया हुआ है, इसको देखते हैं किस तरह से जी। ये देखें, ये नीचे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़बूती से इसको इसके नाट बोल्ट लगाए हैं। इधर देखें ये पाइप जो नज़र आ रहा है आपको, इसमें से इन्होंने वायर जो है क्रॉस की हुई है जो कि सोलर प्लेट से आ रही है। ये देखें इधर भी कुछ पाइप्स लगे हुए हैं, ये इसी तरह हर प्लेट में लगे हैं। और ये बाद में इन्होंने इधर इसको प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इधर ये अर्थ लिया हुआ है। ये मेरे पास एक मेरा भतीजा ही है इलेक्ट्रिक, फाहद इलेक्ट्रिक, इसने भी अपना चैनल बनाया हुआ है फाहद इलेक्ट्रिकल टेक के नाम का, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। मगर फ़िलहाल हम आपको यही दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े बोल्ट इधर इन लोगों ने लगाए हुए हैं। यह नेक्स्ट इधर भी सेम ही उन्होंने किया है, कुछ जो भी जैसे इधर मैंने आपको दिखाया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 6 प्लेट्स वाला है, एक तो उधर है, उधर भी सेम ही इन्होंने किया है, एक इस साइड में है। इधर देखते हैं ये भी सेम उसी तरह से इन लोगों ने देखें ऊपर से जो इसके सारे कनेक्शंस वगैरह करके जिस तरह से भी इन्होंने किए हुए हैं। ये तो कोई इलेक्ट्रिशियन ही इसको अच्छी तरह समझ सकता है, इलेक्ट्रिकल मास्टर जो होगा। ये इधर इन्होंने ऐसे ही क्रॉस किए हुए हैं और इधर इन्होंने काफ़ी बड़ा डीपी बक्स लगाया हुआ है। ये देखें ये है जी डीपी बक्स जिसमें इनके इसको लॉक किए हुए हैं, वरना इसको खोल कर आपको वो भी दिखा देते। तो अभी तक कोई भी इधर बंदा नहीं आया फिलहाल, इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन ही, बाकी हम कभी नेक्स्ट। इन्होंने ऊपर से कवर किए हुए ताकि बारिश वगैरह या धूप से ये।